उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल पर विशेष चर्चा करते हुए बताया कि राजगढ़ जिले के रहने वाले 24 बदमाश जो कि अलग अलग स्टेट में जाकर चोरी और अन्य अपराध की वारदातों को अंजाम देते हैं और कई संगीन वारदातों में यह शातिर बदमाश शामिल हैं। उज्जैन भी आए हुए थे और एक होटल में ठहरे हुए थे और कुछ दिन यहाँ रुक कर उज्जैन शहर के अंदर क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम देकर अन्य अपराधों की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस को सूचना मिली इन बदमाशों की और घेराबंदी करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उज्जैन पुलिस ने अलग अलग धाराओं में इन पर मामले दर्ज किए हैं और इन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है, जांच शुरू कर दी। इन बदमाशों के कई प्रकरण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर और महाराष्ट्र स्टेट के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। अब उज्जैन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि यह कौन कौन सी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर ठहरे थे। गिरफ्तार करने में किस प्रकार से कह रहे और इस दौरान कई बार अपराधी भी इसको अवसर के रूप में देखते हैं। हमारे पास एक स्पेसिफिक इनपुट था जिसमें राजगढ़ जिले का एक गाँव है, उसके आधार पर हमें जाने की संभावना थी। उसके आधार पर हमने अपनी एक डेडिकेटेड टीम बनाई थी। उस डेडिकेटेड टीम ने काम किया और शहर के दो तीन स्थानों से जब दबिश दी गई तो अभी तक लगभग हम लोगों ने 24 आरोपियों को पकड़े जिनसे पूछताछ की जा रही है और अभी तक जो वेरिफिकेशन राजगढ़ जिले से हुआ है उसमें 17 आरोपियों के रिकॉर्ड सामने आए हैं। पूछताछ जारी है और निश्चित तौर पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम करने के इरादे से यहाँ आए थे जिस पर हम निर्भर कर रहे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।